Hello everyone, today we are going to start a new chapter and that is sorting materials into groups. So let's get started. Now objects around us, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. जैसे कि हमको पता है हमारे आसपास खाने की और पहनने की बहुत सारी variety है, पर सिर्फ खाने की और पहनने की वैरायटी है, उससे ज्यादा और कुछ है? हाँ, उससे ज्यादा और बहुत सारी वैरायटीज हैं हमारे आसपास में। We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. कि हमारे आसपास में हम जितनी भी चीजें देखते हैं रोज उसको ऑब्जर्व करते हैं। All these objects have different shape, color and uses. अभी जितने भी ये चीजें हैं उसका कलर अलग है, उसका यूज अलग है और उसका शेप भी अलग है। Look around and identify objects that are around in shapes. अभी पहले क्या करना है कि हमें शेप्स के अकॉर्डिंग सारी मटेरियल्स को अलग करना है। Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and an earthen pitcher. मतलब अगर हम कोई भी materials को उसके shape के according, अगर round shape के according include करें तो उसके अंदर rubber ball आ जाता है, football आ जाता है, glass marble आ जाता है। पर अगर उसके nearly, अगर हम थोड़ी round shape की बात करें कि वो particular पूरा राउंड नहीं है पर थोड़ा सा है, तो उसके अंदर हम कौन सी चीज इंक्लूड कर सकते हैं? एप्पल है, ऑरेंजेस है और अर्थन पीछे है, उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट दैट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल आइटम्स दैट वी हैव डिसेक्ट। वी मस्ट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप ऑब्जेक्ट वी जस्ट मेंशन आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। लेट अस से we wish to make group of objects that are made of plastic. Plastic में कौन सी चीज हम include करेंगे? Buckets, lunch, boxes, toys, water, containers, pipes and many such objects. May find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have group objects on the basis of the shape और the materials they are made from. आगे जो हमने एग्जाम्पल देखे वो किसके अकॉर्डिंग हमने ग्रुप वो दोनों डिफरेंट शेप किए, एक उसकी शेप के अकॉर्डिंग और दूसरे उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग। मटेरियल इन द सेंस कि वो कौन सी चीज से बना है, प्लास्टिक का है, वुडन का है या अदर मटेरियल यूज हुआ था। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे नियर बाय वो सारे या तो वन मटेरियल या तो उससे ज्यादा मटेरियल से बने हैं। दीज मटेरियल्स मे बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड या तो सॉइल, सारी चीजों से बने हुए रहते हैं। तो ये सॉर्टिंग मटेरियल्स एक्चुअल में थिंग क्या है कि जब भी हम कोई चीज को डिवाइड करते हैं तो वो डिवाइड हम कौन से बेसिस के ऊपर करते हैं? या तो हम उसके मटेरियल के अकॉर्डिंग के करते हैं, या तो वो चीज वुड की होती है, फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर, प्लग, ग्लोब कार्ड एक्सेट्रा। और अगर वो पेपर की चीज है तो हम उसमें क्या इंक्लूड करते हैं? बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, या तो कोई टॉयज है, कैलेंडर्स है, तो वो सारी चीजें हम उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर हम बात करें लेदर की तो लेदर में हम शूज इंक्लूड करते हैं, बेल्ट इंक्लूड करते हैं, क्लोथ्स इंक्लूड करते हैं, प्लास्टिक्स में भी आगे हमने जो एग्जांपल दिखे वो सारी चीजें इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी मटेरियल के अकॉर्डिंग है, अगर हम शेप और उसके साइज के अकॉर्डिंग भी ये सारी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ? रिकॉल अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड, देयरफॉर वुड इज नॉट बी फिल्ड। इफ वी वर to make a tumbler out of cloth, what we need for a tumbler? Glass, plastic, metal or other such materials that we hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. अभी देखो अगर हम पानी भरने का जो बर्तन है अगर वो हम पेपर से बनाते या तो क्लोथ से बनाते तो उसके अंदर क्या
पानी कैरी हो पाता नहीं हो पाता। तो क्या करना चाहिए हमें कि ऐसे मटेरियल्स में से बनाना चाहिए जो पानी को होल्ड कर सके, उसको पकड़ के रख सके। तो हम किस में से बना सकते हैं? प्लास्टिक में से बना सकते हैं, वुड में से बना सकते हैं, या तो कोई स्टील में से बना सकते हैं। तो ये सारी चीज का यूज करके हम कोई भी कुकिंग वेसल बना सकते हैं। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट इज बी यूज्ड। कि ये कोई भी चीज हम बना रहे हैं तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? तो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करती है, और प्लस में कि वो चीज का हम यूज क्या करने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हम कोई भी थिंग है उसको बनाते हैं। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर देयर यूजेज? सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। देखिए, कोई भी चीज हम बना रहे हैं या तो कोई भी थिंग हम यूज कर रहे हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज देखना जरूरी है। कौन सा यूज उसके लिए हम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज को ध्यान में रख के कोई भी थिंग को बनाया जाता है। अभी अगर हमें फॉर एग्जांपल शिप बनाना है या तो नाव बनानी है, तो नाव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? वुड यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पानी के ऊपर वो इजिली फ्लोट हो सकता है।